इंसानियत को शर्मसार करने वाली लगातार घटना घटित हो रही है। अभी हम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में है, मधेपुरा और कोसी का सबसे बड़ा अस्पताल है। दूर दराज से लोग इलाज कराने आते हैं, अपने परिजन को देखने आते हैं। आज की जो घटना है वह हम बता रहे हैं कि एक युवक अपने इलाजरत नानी से मिलने के लिए आता है। यह बिल्डिंग है सामने, वार्ड नंबर 4 है, बिल्डिंग नंबर 4 है, उसके थर्ड या सेकेंड फ्लोर पे उसकी नानी एडमिट रहती है, कई दिनों से इलाजरत रहती है। उसे देखने के लिए वह करीब शाम के 3 या 4 बजे के बीच में आता है। बाइक उस बिल्डिंग के नीचे खड़ी करता है और नानी से जब मिलने फ्लोर के ऊपर जाता है और आधे घंटे के बाद जब बाइक के पास आता है तो उसकी बाइक वहां पर नहीं होती है। और यह पहली घटना नहीं है, इस प्रकार आए दिन घटना होती रहती है। कुछ दिन पहले यहाँ के गार्डों ने 3 चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया था और तीनों युवक ही थे, कम एज के, कम उम्र के लड़के क्यों लगातार बिहार में इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, यह भी सोचने वाली बात है। बहरहाल ये जो मेडिकल कॉलेज है इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जब यहाँ के DM श्याम बिहारी मीना थे तो उन्होंने इसको लेकर यहाँ के जो संवेदक है उनसे बात की थी और गार्ड की जो संख्या है वह बढ़ाने का जिक्र किया था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले थे, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की आने की भनक लगी थी तो इस पूरे एरिया को चकाचौंध कर दिया गया था। हर जगह गार्ड नजर आ रहे थे लेकिन आम आवाम, आम पब्लिक के लिए कोई भी सुविधा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। आए दिन लोग आते हैं, मरीज को देखने आए या इलाज कराने आए, सभी परेशान होते हैं और उस परेशानी में उसकी जो जमा पूंजी होती है, बाइक मोटरसाइकिल, वह जो चोरी हो जाती है तो सोचिए किस प्रकार उसको दर्द होता होगा। और इसकी जो संख्या चोरों की क्यों बढ़ रही है, आसपास आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोरेक्स का अड्डा बन चुका है, लगातार हर चाय हर टेपरी पे आपको कोरेक्स मिलेगा। कोरेक्स उसे बोला जाता है जो कोडीन युक्त सिरप होता है, उसको पीने के बाद अलग सा ही नशा होता है और उस नशे को बढ़ावा देने के लिए लगातार युवा चाय पे चाय पीते हैं, उसके बाद सिगरेट पीते हैं और चाय दुकान पे बैठे रहते हैं। एक दिन में कोरेक्स पीने वाले लड़कों की जो खर्च है वह कम से कम 1000 से 1500 रुपए है। अब उस लड़के का तो इनकम नहीं है, सभी बेरोजगार है, माँ बाप से ले नहीं सकता, घर का जेवर बेच नहीं सकता। वह लोग ग्रुप बना के, गुट बना के, एक सामने सबसे आसान तरीका उसे मिलता है, मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ा होता है, कोई बाइक लगाया तो वो देखता रहता है कि इसने बाइक लगाया। बाइक लगाने के बाद जैसे ही वह ऊपर जाता है इधर, वह बाइक लेके 9-2-11 होता है, 10 या 15 हजार में बाइक बेचता है, 5-6 दिन का खर्च निकल जाता है और 5-6 दिन के बाद फिर यही घटना घटित होती है। तो क्या कोसी के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की कार्रवाई क्या रुक पाएगी, यह भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। हालांकि मधेपुरा के SP राजेश कुमार लगातार एक्टिव मोड में है लेकिन इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लेते हैं यह भी आगे देखने को मिलेगा। बहरहाल ऐसे ही चोरी की घटनाएं होती रहेंगी अगर आप लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे। आप लोग #हैशटैग चलाएं और जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज को लेकर अपनी बातों को लिखें, ट्वीट करें ताकि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तक इसकी बात पहुंच पाए। मैं हूं शाहनवाज, आप देख रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम। क्या है पूरा मामला? मेरा मामला ये है कि मेरी नानी बीमार थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में उन्हीं से मिलने के लिए गए, आधा घंटा के अंदर में वापस हुए थे, गाड़ी लगाए हुए थे हम 4-3 के बीच में गए थे, घर से वापस हुए तो मेरा गाड़ी नहीं था। गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर है BR43T4729। गाड़ी कौन सा है? स्प्लेंडर BS6 है। कब खरीदा था गाड़ी? 2 साल हो गया।